फरवरी मार्च आया नहीं कि टैक्स की चिंता सताने लगती है। हम सब टैक्स बचाने के तरीके तलाशने लगते हैं। इंश्योरेंस करें या SIP कर दें, होम लोन ही ले लें क्या? ऐसे में अक्सर पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण हम कई बढ़िया अल्टरनेटिव्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इन सब के बारे में बताएंगे और इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। सरकारी नियमों के हिसाब से टैक्स दो तरीकों से कम होता है, पहला एग्जेम्पशंस और दूसरा डिडक्शंस। पहला तरीका यानी एग्जेम्पशंस, इस शब्द का अर्थ ही है रियायत या छूट, जिसमें आपकी कुछ कमाई को टैक्स के कैलकुलेशन में जोड़ा नहीं जाता। दूसरा तरीका यानी डिडक्शंस यानी कि कटौती, उसमें कुछ खास किस्म के खर्चे टैक्स बचाने का मौका देते हैं। आपने इन तय तरीकों में जितना पैसे लगाए होंगे आपकी टैक्सेबल इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। इससे ही जुड़ी हुई एक स्कीम है जिसे हम EPF कहते हैं, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर कर्मचारी भविष्य निधि। ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो हर नौकरी पेशा कर्मचारी के लिए आज अनिवार्य है। यह योजना आपको एक लंपसम अमाउंट तो देती ही है, साथ ही रिटायर होने पर पेंशन का लाभ भी देती है। किसी भी कर्मचारी की सैलरी से 12% कंट्रीब्यूशन काटा जाता है और इतना ही यानी कि 12% कंपनी की तरफ से कंट्रीब्यूट जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपका और आपकी कंपनी दोनों का ही कंट्रीब्यूशन टैक्स में छूट के लिए सेक्शन 80C में एलिजिबल होता है। कई लोग शेयर और म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक साल बाद इन्हें बेचने पर हुई कमाई पूरी तरह टैक्स फ्री है, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत होती है। और इतना ही नहीं, शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड भी टैक्स फ्री होता है, क्योंकि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के पहले कंपनी सरकार को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर चुकी होती है। हम आपको बता दें कि सेक्शन 80 TTA के अंदर अब आपके सेविंग अकाउंट पर 40,000 रुपये तक के सालाना ब्याज पर भी आपको टैक्स नहीं लगता। टैक्स सेविंग की इस दिमाग को दुरुस्त कर देने वाली कसरत में आपने PPF अकाउंट का नाम जरूर सुना होगा। यह एक EEEE कैटेगरी की स्कीम है जिसमें स्टार्ट टू एंड आपका जमा किया हर पैसा टैक्स फ्री है। आप PPF के रूप में मिनिमम 500 रुपए या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक साल में जमा कर सकते हैं। 21 जनवरी 2019 की PPF की ब्याज दर 7.6 है। आप एक PPF अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। आज की तारीख में PPF अकाउंट किसी भी बैंक FD की हायर इंटरेस्ट रेट से 1% ज्यादा ब्याज दे रहा है, जो कि सेक्शन 80C में टैक्स छूट के लिए मान्य है। सरकार पेंशन स्कीम पर भी टैक्स छूट देती है और अब नेशनल पेंशन स्कीम भी लाई गई है। आप इस योजना में अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश करते हैं। आपके निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से आपका NPS खाता धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिलती है। नेशनल पेंशन स्कीम में डिपॉजिट की गई 1.5 लाख रुपए सालाना तक का अमाउंट सेक्शन 80CCB 1B में टैक्स डिडक्शन मिलता है। हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में तो पता ही होगा। ELSS एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें निवेश के साथ साथ आप टैक्स में भी बचत कर सकते हैं। अगर बात करें NSE यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो भारत सरकार की यह एक बचत स्कीम है। इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। NSE में आप निश्चिंत होकर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि यह बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से भी ज्यादा सुरक्षित है। NSE की वर्तमान ब्याज दर 8% है और यह ब्याज दर 1 अक्टूबर 2018 से लागू है। इतना ही नहीं, इसमें पैसा लगाकर आप टैक्स भी बचा सकते हैं। NSE से जुड़ी एक अच्छी बात यह भी है कि आप इसमें सिर्फ 100 रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर टैक्स पर छूट आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक के अमाउंट पर ही मिलती है। ध्यान रखें, NSE में जमा रकम की ब्याज में टैक्स छूट नहीं मिलती है। तो दोस्तों क्या सोचते हैं आप इन टैक्स बचाने के तरीकों के बारे में, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार आपके लाइक्स के रूप में दीजिए, ताकि हम और हमारी टीम यानी कि V4 इनोवेटिव आपके लिए और बहुत सारे वीडियोस लाती रहे। तब तक के लिए गुड बाय। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।